आज जो हम डिस्कस करेंगे डिवीजन टैग, कौन सा डिवीजन टैग। डिवीजन टैग की खासियत क्या है? ये कंटेनर है, कंटेनर किसे कहते हैं, जिसमें कुछ रखा जाए। तो आप की वेबसाइट का हम एक डिवीजन बनाएंगे, उस डिवीजन को आगे डिवीजन में डिवाइड करेंगे, किस डिवीजन में कौन से सामान रखना है, कौन सा इमेज रखनी है, एंकर टैग कहाँ लगाना है, हम डिवीजन में देखेंगे। जैसा आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो यहां से और यहां तक का ये दिखाई दे रहा है, ये आपका मेन डिवीजन है। उस डिवीजन के अंदर एक डिवीजन ये है, एक डिवीजन आपका ये है, एक डिवीजन, तो टोटल कितने डिवीजन है इसमें? फिर गड़बड़ कर दे बेटा, इसमें 6 डिवीजन है। एक इस डिवीजन के अंदर है, यहां से ले गए यहां तक का, ये भी एक डिवीजन है। नंबरिंग कैसे करूं? 6 डिवीजन है, हमें 6 डिवीजन पर काम करना है। अब देखो कैसे करते हैं डिवीजन पर काम। इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा डिवीजन टैग, ठीक है। चलो अब ये जो मैंने आपको पेंट में लिखा था, ये हम डिजाइन करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं। एक लो डिवीजन टैग, डिवीजन टैग लेने के लिए डीआईवी लिखता है। ये तो है हमारा मेन टैग, उसके अंदर मैंने लिया एक डिवीजन, ये वन वाला, एक उसके नीचे, ये कौन से वाला हुआ, टू। एक डिवीजन और लेते हैं, 3, 4, 5 डिवीजन हो गए इस मेन डिवीजन के अंदर। आप इसका अगर आउटपुट देखोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक नई चीज सिखाते हैं तुम्हें। ये जो आपका डिवीजन है, मैंने इसको आईडी दे दी, मेन नाम रख दिया इसको, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। एक डिवीजन और लिया जिसका नंबर आपने 1 दिया, इसको दे देते हैं, सबसे ऊपर है ये, है ना, हेड दे देते हैं इसका नाम। आईडी क्या दे दी इसको, हेड। एक डिवीजन और, उसको आईडी देते हैं उसके नीचे, मेन्यू, ठीक है। एक डिवीजन और है, कौन से वाला, ये वाला, इसको दे देते हैं लेफ्ट। आईडी क्या देते हैं इसकी, एक डिवीजन और लेते हैं, कौन सी, और एक डिवीजन और चाहिए मुझे, कौन सा, आईडी फुटर, जो सबसे नीचे है, दिस वन। क्लियर है? अभी मैंने इसको रन कराया, देखो कुछ आउटपुट आया, कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। अब हम इन डिविजन्स की, अभी हम सीएसएस करते हैं, हमारा जो डिविजन टैग है सीएसएस के साथ ही चलता है, तभी आप इसको कवर कर सकते हो। हम सीएसएस कैसे देंगे, फिर 2-3 तरीके बताए थे मैंने आपको, इनलाइन, इंबेडेड और एक्सटर्नल। मैं आपको अभी सलाह दे रहा हूँ, आप एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करें। कौन सी, एक्सटर्नल। ये हमारी इंडेक्स वाली, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, टाइप्स ऑफ सीएसएस में कि कैसे करते हैं, है ना। अगर आपने आईडी ली है मेन, अगर आईडी ली है तो आप लिखोगे हैश उस आईडी का नाम। देखो सारी आईडी आ गई है, देखो नीचे देखो, फुटर, हेडर, लेफ्ट, मेन, मेन्यू, राइट, मेन किया, यानी कि अब जो हमारा मेन डिवीजन है चारों तरफ का, उसकी सीएसएस देखते हैं, उसकी विड्थ, पहले उसकी विड्थ सेट करते हैं, समझ रहे। विड्थ देने के कई तरीके हैं, पिक्सल्स में दे सकते हो, परसेंटेज में दे सकते हो, ईएम में दे सकते हैं, है ना। यस सर। हाँ, लेकिन मैं आपको अभी जो रिकमेंड करता हूँ, परसेंटेज में दो, 100%।
हाइट भी कितनी देते हैं 100%, और उसका बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर कोई भी कलर आप दे सकते हो, जैसे सपोज ये दे दिया मैंने, ठीक है चेक करते हैं। अभी लिंक नहीं हुआ, गुड। कैसे करेंगे, यहां पर हैड टैग में जो भी लिंक देने हैं हैड टैग में देंगे। लिंक बताओ क्या था, बिल्कुल एच रेफरेंस सी एस एस फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट सी एस एस है, उसको लिंक करना। उसका जो रिलेशन है आपके साथ क्या है, स्टाइल सेट, और टाइप क्या है उसका, बोलो टेक्स्ट डॉट स्लैश सी एस एस, क्लियर है। टाइटल भी दे दिया, टाइप ठीक है। एक मिनट रुको, कलर कोई दूसरा देते हैं, इसको है ना अभी हम जो वेट तो राइट है ना पिक्सल्स में देते हैं, सपोज इसकी वेट कर देते हैं 100%, या इसकी भी हाइट कर देते हैं, एक मिनट रुको, हाइट कर देते हैं इसकी 1000 पिक्सल, और इसकी भी हाइट कर देते हैं पिक्सल। अब चेक करते हैं एक बार, आ गया ठीक है, ये आ गया। इसकी विड्थ अगर मैं 100% करूं, आई थिंक सो आ जानी चाहिए, हाँ क्लियर है। ये हमारा डिवीजन आ गया, मेन डिवीजन, ठीक है। इसकी आप अपने अकॉर्डिंग विड्थ तो राइट सेट कर सकते हो, ठीक है क्लियर है। 100% से क्या है, यहाँ से और यहाँ तक पूरी विड्थ लेगा। हाइट मैंने कितनी दे दी इसकी, 1000 पिक्सल, क्लियर है। अब इसके ऊपर हम एक डिवीजन लेते हैं, ये वाला इसे एक को ही देना पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि इसके अंदर अभी कंटेंट नहीं है ना, जब कंटेंट होगा तब ये ले लेंगे, तब मैं इसको करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये वाला है हेड, ठीक है, हेड मतलब पहले नंबर वाला, ठीक है। उसका सी एस एस करते हैं, हैश हेड विड्थ कितनी देनी है 100%, हाइट कितनी देनी है, हाइट देते हैं 200 पिक्सल। क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक कलर हो दे दूसरे बैकग्राउंड कलर, ये आ गया पूरा, ठीक है। अब इसके नीचे एक और लेते हैं डिवीजन, कौन सा नंबर का, सेकंड, ये सेकंड वाला कैसे लेंगे, हैश मेन्यू वेट बोलो 100%, हाइट 100 पिक्सल देते हैं, देखने के लिए बनाया नहीं बना, एक बैकग्राउंड कलर और दे दो, ठीक है कोई भी कलर देते हैं ब्लैक, ठीक है। दूसरा लेफ्ट वाला हैश लेफ्ट विड्थ कितने देंगे, 50%, 50%,
हाइट, देखो टोटल हाइट कितनी है, 1000 पिक्सल। अब तक आप कितने दे चुके इसके, देखो 200, 100, 300, यानी कि हमारी जो हाइट है और रिमेनिंग 700। अब हमें एक नीचे पट्टी, एक पट्टी और देनी है, एक डिवीजन और देना है, समझ रहे, 100 को लगा लो है ना, 600 दे देते हैं इसको, हाइट कितनी देते हैं इसको 600 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर ठीक है, ठीक है, चेक कर दें। या अब एक डिवीजन और लेते हैं, राइट राइट विड्थ कितनी 50 पिक्सल, और हाइट 60 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, आएगा, चलो चेक करते हैं कहाँ है, क्यों यहाँ पर क्यों नहीं आया, डिविजन टैग जो है हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल अलाइनमेंट करना। अब हम इसको क्या करते हैं, इसके थोड़ा फ्लोट फ्लोटिंग चेंज करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट डिवीजन का। अच्छा ये जो मैंने डिवीजन लिया जिस पे माउस कर रहा हूं ब्राउन कलर का, ये डिवीजन लिया ये इधर क्यों नहीं आया, क्योंकि सर इसकी जो विड्थ है सर वो 50 नहीं सर वो बाय डिफॉल्ट है, इसका जो फ्लोट है ना बाय डिफॉल्ट हर डिवीजन का फ्लोट जो होता है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। अब मैं क्या करता हूं इसका जो इस डिवीजन का फ्लोट क्या करता हूं राइट करता हूं, किस वाले का, इस वाले का जिसका कलर पर्पल है, देख तो क्या होता है, फ्लोट फ्लोट कितना गया राइट, अब क्या होगा ये इधर आ गया, लेकिन ऊपर तो नहीं गया, ये अब ऊपर वाला जो डिवीजन है इसकी ये पूरा का पूरा फ्लोट हो रहा है यहां से यहां तक का। हम क्या करते हैं इसको फ्लोट लेफ्ट में, भाई आप है ना लेफ्ट में ही रहो, सारा लेफ्ट में मत रहो, जितना आपका एरिया है उसी में लेफ्ट रहो, समझ रहे, यानी कहने मतलब है कि यहां से यहां तक का इसको फ्लोट करना है, अभी ये पूरा कवर कर रहा है, हाँ अभी ये, क्योंकि मैंने बताया डिवीजन टैग ब्लॉक लेवल होते हैं, ब्लॉक लेवल होते हैं, यहां से यहां तक की विड्थ लेगा ये, तो मैं क्या करता हूँ इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ, किस वाले को, ऊपर वाले को क्या कर देता हूं इसको फ्लोट, ये आगे ठीक है, एक डिवीजन नीचे ले लेते हैं, चलो देखते हैं इसे भी देखते हैं, हैस फुटर विड्थ 100%, हाइट 100 पिक्सल, हाइट रिमेनिंग कितनी है 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे दो, आएगा, चलो चेक करते हैं कहाँ गया, ये कलर इसके दे दो, कलर चलो कहाँ है, चलो चेक करते हैं है कहाँ, क्या नाम था इसका, फुटर, कहीं भी इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, अब देखते हैं है कहाँ फिलहाल, ये इसी डिवीजन पे, यहाँ देखो कहाँ है, ये देखो मैं फुटर पे माउस लेके आया, यहाँ दिखा रहा है फुटर,
यानी ये जो दो आपके मेन डिवीजन है इनके ऊपर है अब इसको भी फ्लोट दे दो लेफ्ट ये नीचे आ जाएगा फ्लोट लेफ्ट कर दो चेक करते हैं ग्रीन ठीक है तो इस तरह से जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ना एज ए हम डिविजन्स बनाते हैं क्लियर है yes, है ना yes. आपको फ्लोट देना पड़ेगा तभी जाके एडजस्ट होते हैं या राइट देना पड़ेगा लेफ्ट देना पड़ेगा अब एक चीज और बताते हैं जैसे तुम्हें अगर आप इन के बीच में थोड़ा गैप मेंटेन करना चाह रहे हो ठीक है कैसे मेंटेन करेंगे सपोज इसकी थोड़ी सा ना विड्थ कम कर लो क्योंकि ये पूरा ना 1000 कवर हो चुका yes, है ना तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले की थोड़ी विड्थ ओ सॉरी हाइट कम कर लेते हैं जैसे मैंने इसको कम कर लिया 170 ऊपर वाले को 170 समझ रहे थोड़ा सा और ध्यान से क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच में थोड़ा गेम मेंटेन करना है मैंने इसको रिफ्रेस किया अब ये देखो थोड़ा सा मैंने जैसे किसका है ये नीचे स्पेस बच गया लेकिन हमें क्या करना है इस डिवीजन को इस डिवीजन के बीच में थोड़ा मार्जिन देना है कैसे देंगे इस वाले को मार्जिन देना है कहां से ऊपर से आप लिखोगे मार्जिन टॉप ठीक है इसकी भी हाइट कितनी रखी है मैंने 170 इसको मार्जिन दे देते हैं हम 30 पिक्सल का अगर आप ऐसा करते हो ये इनके बीच में गैप मेंटेन हो गया और जो नीचे डिवीजन था मेन डिवीजन था उसका कलर दिखाई देगा समझ आया ऐसे ही आप इन दोनों के बीच में भी मार्जिन दे सकते हो कैसे देंगे इस डिवीजन के और ये सपोज जो लो इन दोनों के बीच में देते हैं मार्जिन कैसे देंगे चलो ऐसा करते हैं हम ये जो डिवीजन है और ये डिवीजन है इसको चारों तरफ से मार्जिन देते हैं इधर से भी और इसको भी इधर से भी इधर से भी पहले इनकी विड्थ थोड़ी कम कर लो समझ रहे दोनों की कर लेते हैं हम इसकी जो लेफ्ट वाला है इसकी कर लेते हैं 40 पिक्सल और इसकी भी राइट वाले की भी कर लेते हैं 40 पिक्सल कर लेते हैं ये इस तरह से दिखाई देगा अभी फिलहाल ये इतना गैप मेंटेन हो गया क्योंकि इसका फ्लोट है इसका राइट है राइट है इसका लेफ्ट है अब हम क्या करते हैं इसको इधर से देते हैं या ऊपर से देते हैं ऊपर से तो हो गया नहीं पहले इधर से देते हैं चलो लेफ्ट से कैसे करेंगे कौन से वाले में इसमें या इसमें लेफ्ट वाले में क्या लिखूं मार्जिन लेफ्ट से परसेंटेज में चल रही है विड्थ हम 5% देते हैं हो गया इसको भी इधर से इसको किधर से देंगे राइट से मार्जिन राइट से 5% ये आ गया अब ऊपर से भी देते हैं थोड़ा इसकी थोड़ी सी फिर हाइट कम कर लो दोनों की हाइट कितनी है 50 कर लेते हैं सॉरी है ना और इसके भी 550 कर लेते हैं देखो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये कुछ ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे ठीक है नीचे ये जो गैप है ये बच गया अब इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं इसको ऊपर से मार्जिन देते हैं कितना पिक्सल में देंगे तो लेफ्ट वाले को मार्जिन टॉप से
25% देते हैं, सॉरी पिक्सल, और इसको भी, इसको भी टॉप से देते हैं। समझ आ रहा नहीं? गुड, ये हो गया। तो आपके डिवीजन कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। आप इसको बॉटम से भी दे सकते हो। कैसे? मार्जिन बॉटम 25% पिक्सल मेंटेन हो गया। इसको भी दे दो, ये आपको लग रहा है कि होगी, लेकिन इसको दो राइट वाले को भी। क्लियर है? इस तरह से आपके डिवीजन बन जाएंगे। आप ये बैकग्राउंड कलर रेड हटा दो, ये तो स्टार्टिंग में ऐसे लिया मैंने, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अभी वाइट बैकग्राउंड आएंगे इसकी, इस तरह से दिखाई देगा। ये आपकी वेबसाइट का एक लेआउट हुआ, ठीक है। हम इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं डिवीजन को। कैसे? इसका बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। क्या देते हैं? लेफ्ट और राइट को बॉर्डर रेडियस देते हैं। कैसे देंगे? देखो, बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल दे दिया सपोज, ठीक है, ये कॉर्नर से कट गया। अगर इसको राउंड करना चाह रहे हो आप, 100 पिक्सल ले लो, और ज्यादा पिक्सल बढ़ा दो, ठीक है। अगर आपका बिल्कुल रेक्टेंगल स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा आपका, अदरवाइज इलिप्स बन जाएगा, ठीक है। इसे और भी बढ़ा सकते हैं 300 पिक्सल, ठीक है, और ज्यादा ये आपका, ठीक है, इस तरह से रेडियस बना सकते हैं। क्लियर है? ऐसे ही आप बहुत सारे डिविजन्स बना सकते हो। समझ आया डिविजन्स का खेल? यस सर।